वेल गाइस, आज हम बनाने वाले हैं गोभी आलू की सब्जी। वेल गाइस, एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं कैसे बनती है मेरी सब्जी। आपको एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आप वीडियो को समझ पाओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल गाइस, अब सब्जी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने आलू कटिंग तैयार कर लिए, बाकी इसके बाद और मसाला हमने कटिंग तैयार करके रख दिया बिल्कुल, और ये साथ में हमने प्याज टमाटर भी तैयार कर दिए और गोभी भी साथ में तैयार कर दिए। थोड़ी देर में इसको भी हम बिल्कुल तैयार करने वाले हैं। थोड़ी लहसुन ले ली हमने स्वाद अनुसार, और ये हमारा मसाला बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम झोंकते हैं अभी फिलहाल, झोंकने में हमारा बिल्कुल मसाला तैयार होने जा रहा है। वेल गाइस, बन रही है एंड तक वीडियो को बिना काटे, अब नींद तो जान नहीं पाओगे, ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक। फिर गाइस, हमने प्याज सेक लिया है, प्याज हमारा थोड़ा पकने दो, हल्की आँच पे थोड़ा पकने के बाद ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। ये हमारा प्याज थोड़ा हल्का ब्राउन हो गया है, इसके बाद हम अभी थोड़ा इसमें टमाटर का झोंका लगा देते हैं। टमाटर डाल देते हैं लगभग, ये जस्ट हमारे प्याज ब्राउन हो के तैयार हो गए हैं, और ये टमाटर हमने डाल दिए इसके अंदर। फिर गाइस, लगभग टमाटर हमने डालने के बाद थोड़ा इसको पकने देंगे धीमी आँच पे। पकने के बाद अनुसार 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच डालना है मिक्स वेज मसाला, और 1.5 चम्मच भी डालना है धनिया पाउडर। मिल गया ही, लगभग हमारा ये सारा मसाला हमने बिल्कुल तैयार कर दिए। लगभग 15 मिनट से 20 मिनट लगेगा हमारा ये जो सब्जी वेज गोभी आलू की बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको भी हम मिक्स मसाले को थोड़ा पका लेते हैं, बढ़िया से सेक लेते हैं ताकि कच्चा ना रहे, खाने में टेस्ट बढ़िया लगे। मिल गई, थोड़ा ध्यान से देखना है एंड तक वीडियो को ताकि आप समझ पाओ, बिना काटे बिना स्किप करे, नहीं तो आप जान नहीं पाओगे। पहले हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया, हमने सब्जी डाल दी इसके अंदर, गोभी की डाल दी, फिर इसमें भी थोड़ा और मिक्स कर देते हैं इसको मसाले को, ये सारी डाल देते हैं सब्जी, और इसके बाद अभी इसके ऊपर आलू डाल दिए हमने, और इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। मिक्स होने के बाद हमारा बिल्कुल ये मटेरियल जो ना तैयार हो जाएगा, बिल्कुल खाने के लिए योग्य हो जाएगा सब्जी हमारा। और ये हमने थोड़ा इसको बढ़िया से और सेक देना है, और थोड़ा मिक्स कर देना है इसको बढ़िया से। हमने मिक्स कर दिया बढ़िया बकायदे से, मिक्स करना है लगभग हमने इसको 15 मिनट आँच के ऊपर छोड़ देना है धीमी आँच पे, कि ज़्यादा तेज आँच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी सब्ज़ी। उसके बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। वेल गाइस, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। वेल परोस के देखिए हमने, मेरा अगर वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है कॉमेंट बॉक्स में लिख कर दो, इस तरह के वीडियो को और अच्छी लगी तो आपके लिए नेक्स्ट बना के लाऊंगा। धन्यवाद।